गाइज आज हमें दिखी है कौन सी न्यूली लॉन्च कार, आइए बताता हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी सोलो वुल्फ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। और गाइज आज आ गया है थर्सडे, और लगभग मेरे ख्याल से आज 5 तारीख आ गई है गाइज, और अभी तक भी हमने शिफ्ट नहीं किया है जबकि हमें 1 तारीख से करना था। तो देख ही सकते हैं आप, चारों तरफ अभी सामान वगैरह फैला हुआ है। हमने पैकिंग वगैरह तो लगभग कम्प्लीट कर ही लिए, पर जो घर है हमारा वो अभी तक फाइनल ही नहीं हो पा रहा है गाइज। तो चलिए गाइज आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज भी कुछ हम घर वगैरह देखने जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो मिलता हूँ गाइज फिर आपसे थोड़ी देर बाद। उसके बाद गाइज मैं आ गया था नीचे आकर ब्रेकफास्ट में मैंने खाया आलू की सब्जी और उसके साथ पराठे और चाय खाई। उसके बाद देखा थोड़ी देर टीवी, फिर ऊपर अपने रूम में चला गया। मैं आ गया था ऊपर अब अपने रूम में, और अब मैं करने जा रहा हूँ गाइज अपने ऑफिस का काम थोड़ा स्टार्ट। अभी थोड़ी देर करूँगा गाइज ऑफिस का काम, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ा ऑफिस का काम करने के बाद। इसका थोड़ा काम अब मैंने कर लिया था, और अब मैं करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो को एडिट और अपने ब्लॉग को अपलोड। तो गाइज अगर अभी तक आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाकर मेरे चैनल यूपी सोलो वुल्फ में उसको चेकआउट करें। तो मैंने कर दिया था अपलोड, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं इसके हमारे घर की सर्च जो है वो जारी है, क्योंकि लगभग कल हमें जो है शिफ्ट करना ही है। तो अभी एक और ब्रोकर का गाइज मेरे पास फोन आया, तो अभी हम वही घर देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं। तो बाहर जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी थी, वो अभी तक भी जो है गाइस घर का कुछ हमारा फाइनल अभी नहीं हो पा रहा है। तो अभी एक ब्रोकर आ रहा है तो वो कुछ घर दिखाएगा, तो पर देखेंगे हम वो कैसा है। बाकी तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, कल से तो कल लास्ट ही है हमारा यहाँ पर, हमें शिफ्ट करना था पर अभी तक हमें घर नहीं मिला है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, आगे आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। उसके बाद गाइस ब्रोकर ने एक घर दिखाया जो हमें पसंद तो आया, पर उसे रेडी होने में 15 दिन लगने थे। उसके बाद आते हुए हमें दिखी गाइस टाटा की कर्व, वो भी ईवी में, और काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था उसका देखने में, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो देखकर मैं आ गया था, और अभी गाइस ब्रोकर से बात हो गई है, तो घर तो हमें पसंद आया है पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। वो ब्रोकर जो ओनर से एक बार बात करेगा, उसी के बाद वो फाइनल हो पाएगा। और अभी के लिए गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं गाड़ी में देने गया था ठीक होने के लिए, जो गाड़ी का बम्पर जो है ख़राब हो गया था, आगे से टूट गया था। तो अभी वो गाड़ी जो है इंश्योरेंस से सही होकर आ गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस और उसके बाद गाड़ी को लेकर आऊँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। उसके बाद गाइज नीचे आकर पहले मैंने पी चाय, उसके साथ खाई मैगी, फिर जो है मौसम कुछ ऐसा हो रखा था, हल्के बादल थे, तो मैंने जो है राइड बुक करके ओला की और गाड़ी लेने के लिए निकल पड़ा। पूरा भीग कर मैं आ गया हूँ घर वापस, और गाड़ी भी गाइज हमें नहीं मिल पाई क्योंकि बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और रास्ते में जो है ट्रैफिक भी मिला, और जब तक हम वहाँ पहुँचे तो जो है बंद हो चुका था सर्विस सेंटर। तो अब उन्होंने सुबह के लिए बोला है गाइज, तो अभी सुबह को हम लेने जाएंगे। अभी मैं आया हूँ तो थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, तो मिलता हूँ गाइस फिर आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैं थोड़ा बैठा ही था कमरे में, बोर हो रहा था, तो मेरा मन करने लगा रोल खाने का। तो अभी गाइस थोड़ा रेडी मैं हो गया हूँ, पास ही की मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ से हम लेके आएंगे अपने लिए रोल। तो चलिए गाइस चलते हैं। उसके बाद गाइस मैं आ गया था पास ही की मार्केट में रोल वाले भैया के पास, तो काफ़ी अच्छा गाइस यहाँ पर रोल बनाते हैं, तो मैंने जो है रोल पैक करवा के घर आया। उसके बाद देखा थोड़ी देर टीवी तो मैंने देख लिया था, और हो गया है हमें काफ़ी लेट। तो गाइस अब मैं वीडियो को एडिट वगैरह करके सो जाऊंगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। और घर की अपडेट तो गाइस आज भी मैं आपको कुछ नहीं दे पाया क्योंकि घर जो है हमारा फाइनल आज भी नहीं हो पाया। तो किसी तरीके से गाइस हमने कल से वो जो अपना ओनर है यहाँ वाला, उसको बोला है कि हम परसों खाली करेंगे, तो कल जो है हमारी फाइनल डेट है। तो कल तो जो है किसी भी हालत में घर ढूंढना ही है। तो आगे की अपडेट गाइस मैं आपको कल के ब्लॉग में दूंगा, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यूपी सोलो वुल्फ को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।